दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैना बर्ड दिखाने वाला हूं और मैना बर्ड का क्या प्राइस है और कहां मिलता है, कैसे इसको रखना है, क्या मेंटेनेंस है, क्या खर्च है और क्या इनका फूड है, सारा इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहे अंत तक। और जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं मैना का, मैं बैक कैमरा भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और साउंड इनका काफ़ी अच्छा होता है और ये टॉकिंग भी बहुत अच्छा करता है। खाने के लिए इनको जो मैं फूड प्रोवाइड करता हूँ वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। काफ़ी शांत स्वभाव का ये मैना है। अभी थोड़ा सा ये इधर कूद फांद मचा रहा है, काफ़ी अच्छा मैना है। ये देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ और बैक कैमरा चालू कर देते हैं और इसे फिर अच्छे से फिल्माते हैं और आपको मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वेलकम टू माई चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, अभी जो हम मैना बर्ड देख रहे हैं, यानी कि बंगाली में इसको मोइना बर्ड भी बोलते हैं, इस बर्ड को जो हम देख रहे हैं, इसका जो क्वालिटी जो होता है वो 5 से 6 प्रकार का होता है। वैसे तो जनरली हम जो नॉर्मल क्वालिटी देखते हैं, हमारे घर के आसपास भी दिखाई हमें दे जाता है, उसका ऊपर कॉलर नहीं बना होता है। जैसा कि ये मैना आप देख रहे हैं, हिल मैना यानी कि असम का मैना इसको बोलते हैं। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि टॉकिंग के लिए इसको हम अपने घर में पाल सकते हैं। टॉकिंग बहुत ही अच्छा ये करता है, सीटी वगैरह मारता है, विसिल वगैरह मारता है। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड में वीडियो आपको दिखाई देगा। और जैसा कि इसके ऊपर कॉलर होता है, इस मैना का जो खासियत है, इसके ऊपर कॉलर यानी कि जो गले पे एक पीला कलर का आपको येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, वो लैब्राडोर पपी यानी कि लैब्राडोर का जैसे कान जिस तरह से लटकता है, उस तरह से इनका कॉलर बड़ा होने के बाद 1.5 से 2 इंच इतना लंबा हो जाता है जब ये अडल्ट होते हैं। वैसे बचपन में जब ये छोटे होते हैं 2 से 3 महीने के, तब ये हल्का सा छोटा सा निकला हुआ होता है 2 से 4-5 सेंटीमीटर का। उसके बाद ये 1.5 से 2 इंच लंबाई के होकर नीचे लटक जाते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर आपको एक फ्लावर की तरह दिखाई देंगे। हिल मैना इसको बोलते हैं, या असम का मैना आप बोलेंगे या बंगाली हिल मैना बोलेंगे, बंगाली हिल मैना तो लोग इसे पहचान जाते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मली मार्केट में जो इसका रेट चलता है, जो भी रेट अभी चल रहा है इंडियन मार्केट में, मैं आपको वो बता देता हूँ, जो कि है लगभग 10 से 14 हज़ार के बीच में इसका पेयर यानी कि जोड़ा मिलता है। 10 से 14 हज़ार रुपये में आपको इसका जोड़ा मिलता है। इतना प्राइस इसका हाई इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही कम यानी कि रेयर हो गए हैं, बहुत ही कम ये अवेलेबल हो पाते हैं मार्केट में, और ये टॉकिंग के लिए जाने जाते हैं। जब ये टॉकिंग स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी शानदार टॉकिंग करते हैं, और इनको जो टॉकिंग का इनका जो मैटर है वो टॉकिंग को सिखाना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ये सुन सुन कर ही सीख जाते हैं। जैसे कि पैरोट्स में या फिर अलग बर्ड्स में हमको एक वर्ड को रिपीट कर देते हैं तैराना होता है, जबकि ये सीखते हैं उसके बाद ये सीख पाते हैं, लेकिन मैना में ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको ये बोलचाल की भाषा में, जैसे आप बात करते रहते हैं घर के बीच में, अगर आप इसे सेंटर में रखते हैं तो स्टार्टिंग में तो पहले ये आपसे थोड़ा डरेंगे क्योंकि ये इंसानों का मतलब पसंद नहीं करते उतना ज़्यादा, लेकिन वो देखते देखते रहते रहते खाना जब इसे आप प्रॉपर देना स्टार्ट कर देंगे तो इनको पता चल जाएगा कि आप इन्हें फूड वगैरह देते हैं, तो फिर ये आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगा इनका और ये आपके साथ रहने लगेंगे आसानी से, और आपकी जो बोलचाल की भाषा है वो सारा कुछ ये कैच करने लग जाएंगे। अफ्रीकन ग्रे के बाद अगर कोई बर्ड सबसे ज़्यादा तेज़ बोलता है, सबसे अच्छा बोलता है, तो वो है आपका मैना। उसके बाद ही पैरोट का नंबर आता है। पैरोट से भी शानदार टॉकिंग इसका होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस की मैंने आपको बात बता दिया है प्राइस। चलिए इसका फूड का बात करते हैं। फूड में इसको जो है हम नॉर्मली चावल दाल दे सकते हैं, चावल को दूध में डाल के दे सकते हैं, सत्तू यानी कि जो चना का जो सत्तू होता है उसको भी अगर सान कर आटे की तरह सान दिया जाए, हल्का गीला में, ज़्यादा टाइट नहीं, तो ये आराम से उसको भी खा लेते हैं। इनका फेवरेट फूड जो होता है वो है पपाया। इसके ऊपर मैं और कुछ वीडियो आपको दे दूँगा, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पपाया बहुत ही ज़्यादा ये खाना पसंद करते हैं, और बनाना यानी कि केला भी ये खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पपाया का जो क्वालिटी आपको लेना है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। पपाया इस तरह का होना चाहिए कि वो लगभग गलने वाला हो, यानी कि 2 से 4 दिन में जो ख़राब होने वाले पपाया हैं जिसको रख देंगे तो आप वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन उससे 2 से 4 दिन पहले ही आपको ये दे देना है। बनाना भी उसी तरह से आपको लेना है, पूरा गल जो जाता है, जो कि पूरा खाने से थोड़ा सा, हमारे जो खाने से थोड़ा सा ज़्यादा पार हो जाता है, 1-2 दिन पूरे गल जाते हैं, उस तरह का अगर आप इसको देते हैं बनाना, तो ये बहुत ही शौक से खाते हैं।
क्योंकि मैंने ये है कि ये चबाना नहीं जानते हैं और ये चबाते बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका दांत वगैरह नहीं होता है। सिर्फ ये चोंच से टुकड़ा तोड़ते हैं और उसे डायरेक्ट निगल जाते हैं। वैसे तो हर चीज़ खा लेते हैं, आप चाहें तो इसे रोटी भी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आप सत्तू दे सकते हैं, आटा वगैरह आपको नहीं देना है। दूध में डाल के चावल अगर आप देते हैं तो बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं। साथ में केला हो गया, अमरूद भी आप इसको स्मैश करके देंगे यानी कि मसल कर देंगे तो ये खा लेंगे। कोई भी चीज़ देना है तो जो कि हल्का लिक्विड टाइप में हो, यानी कि उसे आटे की तरह बना देना है। कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं, जैसे कि पपाया मैंने आपको बताया, उसको आप डायरेक्ट दे सकते हैं। उस तरह का चीज़ें जो भी आप देते हैं, सेव वगैरह भी आप अगर देना चाहते हैं तो सेव को उबाल ले पहले, उसके बाद हाथ से उसे पूरे अच्छे से मसल दे, उसके बाद आप उसको शकरकंद दे सकते हैं, शकरकंद को भी अच्छे से उबाल के उसको मसल दे, यानी कि आटे की तरह बना दे जैसे हम सानते हैं आटा, तो फिर ये आसानी से उसे नोच नोच कर हल्का टुकड़े टुकड़े करके खा लेते हैं। वैसे वाइल्ड में ये ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं, तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पे किसी ट्री वगैरह में कोई कीड़े वगैरह होते हैं या फल सब्जियों में कभी कीड़े निकल जाए तो अब भी आप इसे दे सकते हैं। लेकिन घर में एक्चुअली हम लोग ये सब चीज़ नहीं अवेलेबल हो पाता है, और जिससे कि हमें इन्हें फल फ्रूट वगैरह देना पड़ता है, वो भी इनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका प्राइस। खाना का कोई मैटर नहीं है, खाना बहुत ही आसानी से ये खा लेते हैं। ब्रीडिंग का जो है प्रोसेस वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए आप इसको ब्रीडिंग पर्पज़ से ना परचेज करें, क्योंकि ये ब्रीडिंग जो करते हैं तो काफ़ी अंधेरे जगह पे करते हैं, ज़्यादा लाइट रोशनी जहाँ पे नहीं जाता है बस वहीं पे इनका अंडा वगैरह ये देते हैं। ब्रीडिंग भी आप ले सकते हैं थोड़ा सा बड़ा केज में, लेकिन ज़्यादातर इनको टॉगिंग के लिए ही देखा जाता है। मेल फीमेल का जो डिफरेंस है इनके कॉलर से पता चलता है, कॉलर जितना लंबा होगा और चोंच का कलर रेड होगा तो वो मेल होगा, और जो ऑरेंज टाइप का चोंच होगा और कॉलर छोटा होगा, कॉलर यानी कि जो पीली पट्टी ऊपर आप देख रहे हैं येलो कलर का, वो अगर छोटा होगा तो समझिए वो फीमेल है। वैसे फीमेल मेल में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, मेल जो है कि थोड़ा विसिल वगैरह थोड़ा ज़्यादा बजाते हैं, और टॉकिंग के मामले में दोनों ही लगभग सेम होते हैं। मेल का साउंड थोड़ा सा तेज होता है फीमेल से, और इनका कलर थोड़ा सा डीप होता है फीमेल से। फीमेल के मामले में मेल काफ़ी सुंदर दिखता है, और खाना पीने का मामले में दोनों ही सेम है। रहने के लिए जो स्पेस है मिनिमम इनको 1.5 से 2 फीट का केज आपको देना होगा। 2 फीट का केज में ये आसानी से रह सकते हैं, एक पेयर आप रख सकते हैं। पेयर का प्राइस जो है 10 से 14 हज़ार 16 हज़ार, इस तरह से इनका रेट ऊपर नीचे होते रहता है, इसी एवरेज में आपको मिलेंगे। और ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं 3 से 4 मंथ का बेबी है। टॉगिंग के लिए आपको अगर लेना है तो 6 मंथ के अंदर का बेबी आप अगर परचेज करते हैं तो 6 मंथ के बाद वो टॉगिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ के बाद ही इनका क्लियर साउंड आता है। उसके बाद आप इसे प्रॉपर ट्रेनिंग देकर अपने रूम में रखकर इसे सिखा सकते हैं और ये सारे बात बोलने लग जाते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर परचेज करना है तो मैंने आपको प्राइस बता दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी का लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।